हेलो द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैब डे 9 की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है सुपरफ्लुअस। देखिए इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। आपके पास कोई चीज़ जितनी चाहिए उससे ज़्यादा है तो आप उसे बोल सकते हैं सुपरफ्लुअस। इसका जो याद करने का तरीका है वह यह है कि आप इसमें एक कोड याद कीजिए, सुपर प्लस फ्लो। सुपर मतलब बहुत तेज, फ्लो मतलब बहाव। अब आपके पास बहुत तेज बहाव है पैसे का, आपके पास बहुत रोज के 5,000 10,000 15,000 आते हैं और कई लोग 50 रुपये भी नहीं कमा पाते दिन के, तो इसका मतलब आपके पास आवश्यकता से अधिक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है सुपर फ्लो का मतलब आवश्यकता से अधिक, सुपर प्लस फ्लो इसका की को देखते हुए। ठीक है, अगला वर्ड है आपका कॉन्साइंटिशियस। देखिए इसका मतलब होता है ईमानदार। और इसका जो पासवर्ड है वह आपके सामने यह है कि कौन साइंटिस्ट ईमानदार था बताओ, तो कलाम साहब। ठीक है ना, अपने देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। तो कौन साइंटिस्ट, तो कौन साइंटिस्ट कौन साइंटिशियस था, कलाम साहब। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, डेफरेंस। ठीक है ना, डेफरेंस। तो इसका आप थोड़ा सा प्रोनंसिएशन चेंज करिए की के लिए, डेफरेंड। अब डेफरेंड, डेफरेंस, डेफरेंड, डेफरेंस, डेफरेंड, डेफरेंस। तो आप अगर अपने फ्रेंड की, अपने मित्र की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप तो देते हैं फ्रेंड को डेफरेंस तो वो भी आपको डेफरेंस देगा। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अगला आपका वर्ड है जेनरस। देखिए तो इसका की आप याद कीजिए, जिन। जिन अलादीन की स्टोरीज के अंदर एक जिन होता ना, वो एक छोटे से उसके चिराग के अंदर, तो जिन प्लस रस, जिसकी शॉर्टकट है। जिन का जो माइंड होता है बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, उदार होता है, परोपकारी होता है, बेनिवोलेंस होता है, मॉडेस्ट होता है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स जो मैंने बोले हैं ये लास्ट वीडियोस में जो पीछे मैंने करीब बनाई हैं उनमें कहीं ना कहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेप्लिकेट, देखिए इसका मतलब होता है रिपीट। अब इसके वर्ड के अंदर ही हिंदी छुपी हुई है। री, री मतलब दोबारा। पिली, पिली मतलब पीना। केट, केट में सी हटा दो तो बच गया एट, तो री प्ली एट, इसकी है री प्ली एट। तो जो पीने का और खाने का काम आप आज कर रहे हो इसका मतलब ये थोड़ा कि कल नहीं करोगे, आप डेली करोगे सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। तो आपको याद रखना है रेप्लिकेट, रिप्लीकेट, वह काम जो हम बार बार रिपीट करते हैं उसे रेप्लिकेट कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा अनस्क्रुपुलस। अनस्क्रुपुलस का मतलब होता है अनैतिक, बेकार। अब देखिए ये वर्ड बहुत बड़ा है और जो जितने मैं वर्ड्स बता रहा हूँ ये आपको SSC एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल चुके होंगे, जो देते रहते होंगे, तो ये आए हुए सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, स्क्रू, तो इसका जो की है वह है स्क्रू। अब कहते हैं ना अभी तेरा तो स्क्रू ढीला है, तो स्क्रू की बात करेंगे तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि समझदारी की बात कर रहे हैं। स्क्रू प्लस, अगर अनस्क्रूपुलस है इसका मतलब वो अनैतिक है, बेकार है। ठीक है, जिसका स्क्रू ढीला होता है वो हमेशा अनस्क्रूपुलस वर्क करता है। स्क्रू ढीला वाला अनस्क्रूपुलस वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, डिनाउंस। देखिए ये वर्ड भी बहुत इजी है और इसकी की आप याद कर सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, कि नाउन को डिनाउंस कर दिया। अब जैसे मान लीजिए किसी को नाउन बहुत टफ चैप्टर लगता है, उसने बोल देता ना तुरंत बच्चे, अरे यार बड़ा बेकार चैप्टर है, भद्दा चैप्टर है, समझ नहीं आया क्या है, बहुत टफ चैप्टर। तो आप याद रखो नाउन को डिनाउंस करना यानी कि निंदा करना, बुराई करना उसकी। ठीक है, आगे चलिए। अगला आपका वर्ड है लूनाटिक। तो लूनाटिक का जो मतलब होता है वह होता है पागल। अब आपको इसके अंदर की याद करनी है, इसका जो याद वर्ड को याद रखने का तरीका है वो की है यानी कि कॉर्ड है। इसमें लूना एक गाड़ी थी जो बहुत ही पुराने मॉडल की है थी, उसमें क्या है कभी पेट्रोल भी डाल सकते थे आप, कभी मिट्टी का तेल भी डाल सकते थे आप। तो आपको याद रखना है जो लूना पे बैठे होते हैं, लूना पे टिके हुए होते हैं, वो काफ़ी लूनेटिक लगते हैं। ठीक है, अगर आज की डेट में आप लूना लेके निकलेंगे तो लोग आपको कहेंगे भाई क्या लेके आ गए, पागल सा लग रहा है ना, ऐसे बोलेंगे।
लेकिन अगर आप वही अगर आज के ज़माने की कोई R15 टाइप की गाड़ी लेके जाएंगे तो वाह कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे है रिवील। रिवील तो बहुत ही एक कॉमन सा वर्ड है, आप इसको बिना की के याद कर सकते हैं। उजागर करना, किसी का रहस्य उसने रिवील कर दिया, उसने अपने पेरेंट्स के सामने अपना गलत काम रिवील कर दिया जो करता था, कोई सट्टे का काम इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है शिकार करना, क्वेरी नहीं है, क्वेरी, ठीक है ना, क्वेरी। तो याद रखेंगे क्वेरी का मतलब है शिकार, ठीक है। ये भी आप बिना की के याद कर लीजिए, इतना मच मुश्किल वर्ड नहीं है, ठीक है। अभी मैं जो स्टोरी बताऊंगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब देखिए एक वर्ड है बहुत लंबा छोड़ा है, इसको मैं तोड़ तोड़ के पढ़ूंगा, वर्सिमिलिट्यूड, वर्सिमिलिट्यूड। अब इसमें क्या है, वर्सी नहीं सॉरी वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी है वी आर आई, वेरी सिमिलिट्यूड। तो देखो इसकी, इसका मतलब होता है सत्य, ऑथेंटिकसिटी, सत्यता, सच्चाई। अब इसका जो की है बहुत सिंपल है, वेरी प्लस सिंपली प्लस एटीट्यूड, वेरी सिंपली एटीट्यूड। अब देखिए जो बंदे, जो बंदा होता है कोई अच्छा सा इंसान जो होता है, यदि वह सत्य है, अच्छा है, सच्चाई उसमें भरी हुई है, तो बड़ा ही सिंपल एटीट्यूड होगा उसको, वेरी सिंपली एटीट्यूड, ठीक है। तो ये इसका की रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीट्रैक। देखो रीट्रैक एक अलग वर्ड है और डिस्ट्रैक एक अलग वर्ड है। मैं लास्ट वीडियोज में डिस्ट्रैक का मतलब बताया था कि वो ट्रैक से अलग होगा, डिस्ट्रैक्ट, 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 ठीक है ना, उसको कोई काम कर रहा था उसके उसको भटका दिया आपने, तो वो डिस्ट्रैक्ट का मतलब अलग है। लेकिन रीट्रैक का मतलब भी आप उसी तरीके से याद करिए, ट्रैक आप जानते हैं जिस पे चलते हैं या जिस पे दौड़ते हैं, तो अगर कोई आपको एक ही ट्रैक पे बार बार दौड़ने के लिए कहेगा तो इसका मतलब कि आप उस काम को अस्वीकार कर दोगे, नहीं सर मैं कितना दौड़ूं मेरे से नहीं दौड़ा जा रहा। तो रीट्रैक का मतलब होता है अस्वीकार करना, तो इसका की भी है रीप्लस ट्रैक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेस्ट। अब क्वेस्ट का मतलब होता है खोजना, तो इसमें भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपली इसको याद कर लीजिए, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर क्वेस्ट कर लिया है, तो क्वेश्चन से क्वेस्ट बन गया, तो क्वेश्चन का आंसर क्वेस्ट करना यानी कि खोज लेना, ढूंढ लेना, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं, हमारा वर्ड है कंजेक्टर। देखो इसको भी आप याद कर सकते हो, इसका मतलब होता है अनुमान, है ना, एंटिसिपेट करना, अनुमान लगाना। तो कौन, कन सी एन है कौन, जैक, कौन आपको जैक लगाया, कॉन्जेक्टर, कॉन्जेक्टर। तो अब मेरे से किसी ने पूछा यार बताओ इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगी, मैंने कहा इंडिया जीतेगी, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे लगा दिए इंडिया पे, शर्तें लगा ली, तो मेरे अनुमान के बिहाफ पे उन्होंने ये लिया ना, तो उनको जैक कहाँ से मिला, जैक होता ना एक टूल होता है, तो किसी को जैक मार दिया, मारते हैं ना कि हाँ पंप कर देना, तो कौन जैक्टर का मतलब हो गया अनुमान, कौन आपको जैक लगाया, अरे इसके कौन जैक्टर के बिहाफ पे आपने डिसीजन लिया था, कौन जैक्टर, इस तरीके से कर देना। अगले वर्ड की तरफ आइए, अगला वर्ड है आपका बहुत सिंपल, टेम्पोरल। देखो ये वर्ड क्या है, टेम्पोरल का वैसे मतलब होता है सांसारिक, है ना, जो सांसारिक चीज़ है, तो टेम्पोरल जो टेम्परेरी नहीं रहता, सांसारिक चीज़ है, आज है ये कल नहीं है, है ना, मोह माया जिसे कहते हैं, तो टेम्पोरल इजी वर्ड है। आगे चलते हैं, अनरफल्ड। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, रफ का मतलब क्या होता है, भद्दा बेकार फल, आपको रफ फल मिला, आपने बहुत अभ्यास किया पेपर पास करने के लिए, लेकिन आप पेपर पास नहीं कर पाए, तो आपके मन में अशांति भर जाएगी आपके, क्योंकि रफ फल मिला है, इसीलिए ना रफ फल मिलने पे इंसान के मन में रफ फल भर जाता है, अशांति भर जाती है, तो अगर रफ फल से पहले अन लग गया तो अन रफल का मतलब होता है शांति, बहुत ज़्यादा शांति। उसके बाद थ्राइव, आज का हमारा लास्ट वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है प्रगति करना। अब थर्रा, थर्रा मतलब आप शराब की या वाइन की बोतल कह सकते हैं, तो वाइन हमें तो याद करने से मतलब है, चाहे हम किसी भी तरह से याद करें, बस ये हमारे पेपर में काम आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए आगे, थर्रा। अब कहते हैं ना कि थर्रा पीने वालों ने ही हमारी इकोनॉमी को थ्राइव किया है, यानी कि आगे बढ़ाया है, प्रगति किया है, तो इस तरह से आप थ्राइव को भी याद कर सकते हैं।
यहाँ तक आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे। अब जो स्टोरी मैं बनाऊँगा बोलूँगा उस स्टोरी में ये सारे वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा। ये स्टोरी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, ठीक है। तो अब इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और इसमें जो वर्ड्स आएंगे उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप सुपरफ्लूस कॉन्सेंटिशियस होंगे, यानी कि आवश्यकता से अधिक ईमानदार होंगे। वर्ड तो मैं पढ़ा ही चुका, मैं स्टोरी पढ़ देता हूँ, ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अगर आप सुपरफ्लूस कॉन्सेंटिशियस होंगे तो लोग आपकी डेफरेंस तो करेंगे, लेकिन जिस दिन आप जेनरस काम रेप्लिकेट करना बंद कर देंगे, उसी दिन से लोग आपको अनस्क्रिपुलस बता के आपकी डिनाउंस करेंगे और आपको लूनाटिक कहना स्टार्ट कर देंगे, और आपकी लाइफ में उल्टे सीधे रहस्यों को रिवील करके आपका क्वेरी करने की कोशिश करेंगे। वही लोग फिर आपकी वेरी सिमिलिट्यूड को रीट्रैक करते हुए आपके अंदर कमी क्वेश्चन करेंगे और आपकी डिड्यूस करेंगे। इसीलिए मेरा कंजक्टर यह है कि आप इस टेम्पोरल वर्ल्ड में अनरफल्ड रहते हुए थ्राइव करो। ये स्टोरी आप पढ़ेंगे वर्ड्स को याद करने के बाद तो आपको रिवाइज हो जाएंगे सारे वर्ड्स, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।